और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। और साथ में मैं स्वागत करूंगी माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री भारत सरकार। कितनी तालियां मिलने वाली है मुझे। और साथ ही स्वागत मैं करूंगी श्री विक्रम आदित्य जी का, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हिमाचल सरकार। जरा जोरदार तालियां यहां पर बजनी चाहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी सीटों पर बैठ सकते हैं। देवियों और सज्जनों और मेरे प्रिय तमाम हिमाचल वासियों, हम सभी माननीय मंत्री गणों का, देवियों और सज्जनों का और हमारे बीच प्रिय हिमाचल वासियों का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको अवगत है कि भारत सरकार द्वारा हिमाचल में बहुत सी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसके प्रदेशवासियों एवं पर्यटकों को दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर चलना आसान होगा। NHAI द्वारा बहुत सी टनलों व ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आपको अवगत है कि टनलों के खुलने से चंडीगढ़ से हमीरपुर का रास्ता आसान हो गया है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं या जब भी कोई अच्छा काम करने वाले होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस भगवान का नाम लेते हैं। तो इसी तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस भगवान का नाम लेकर, दीप प्रज्वलित करने की प्रथा के साथ। और मैं इस टाइम मंच पर मौजूद तमाम मंत्रीगणों और विशिष्ट अतिथियों से दरख्वास्त करूंगी कि दीप प्रज्वलित करने की प्रथा के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर दैट एक्साइटमेंट एंड फॉर दैट एनर्जी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अब्दुल बासित जी को, RO NHAI हिमाचल प्रदेश, और उनसे निवेदित करूंगी कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी का फूलों के गुलदस्ते के साथ और साथ ही हिमाचल की टोपी, हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की शान, उनका अभिनंदन करें और उन्हें आप लोग तालियां बजा सकते हैं। और अब मैं आगे बढ़ती हूं और मैं निवेदन करूंगी
श्री वरुण अग्रवाल जी आर ओ मोर्थ हिमाचल प्रदेश की, वो श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री जी का एक खूबसूरत श्री अजय गुप्ता। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी से कि वो मंच पर देवी और सजनों यहाँ पर मौजूद विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी एनएचएआई के अधिकारी, हमारे इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर्स और सभी यहाँ पे जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से माननीय गडकरी साहब का देवभूमि हिमाचल में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है और गडकरी साहब ने वापस जो है दिल्ली जाना है, इसलिए मैं चंद ही शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज हमें बहुत खुशी है कि माननीय गडकरी साहब करीबन 4,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य, जिनमें समस्त हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से लेकर जिला शिमला का जो हमारा बाईपास है ठियोग का, और बहुत से हमारे ब्रिजेस जिला हमीरपुर और ऊना को और बिलासपुर को जो जोड़ते हैं, और कुछ हमारे कांगड़ा के जो रोड्स हैं और ब्रिजेस हैं उनका लोकार्पण आज यहाँ पे किया जा रहा है, इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ मेरा ये विनम्र निवेदन माननीय मंत्री जी से रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अभी पीछे आपदा के दौर में हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का हुआ है, प्रदेश के सड़कों के, प्रदेश के ब्रिजेस का हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, और माननीय गडकरी साहब खुद हिमाचल आए भी थे, उन्होंने कुल्लू मनाली का खास करके दौरा भी किया, वहाँ के जो डैमेजेस उस इलाके में हुए हैं उसका इन्होंने निरीक्षण भी किया, और इसके सख्त आदेश और निर्देश अपने विभाग के अधिकारियों को इसकी मुरम्मत के लिए करने के लिए दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें जो भी सहयोग हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से भी होना था उसको भी हमने पूरी मजबूती से किया है। जो भी डिपॉजिट में हमारी कई सड़कें जो बह गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, उनको रिकॉर्ड समय के अंदर बनाने का कार्य हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, लोक निर्माण विभाग की ओर से जो है वो करवाया गया है। इसमें मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा, इसमें 4 ऐसी महत्वपूर्ण मांगे जो प्रदेश भर की है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पे हमारे बीच में होना था मगर वो हमारे बीच में किसी कारणवश आदरणीय सुखविंदर सिंह सुखू जी हमारे बीच में नहीं है, उनका दूसरी जगह कार्यक्रम था, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। और जो ये 4 महत्वपूर्ण मांगे जो हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखी है उसका जिक्र मैं आपके बीच में यहाँ पे करना चाहूँगा। एक हमारा जो 4 लेन ऑफ हमीरपुर बाईपास है, जिसका मुख्यमंत्री जी ने निवेदन माननीय मंत्री जी से किया है, रिक्वेस्ट फॉर 4 लेनिंग ऑफ फॉलोइंग पैकेजेस विच आर प्रेजेंटली इम्प्लीमेंटेड 2 लेन स्टैंडर्ड्स, जो हमारा एंड ऑफ हमीरपुर बाईपास है और हमीरपुर बाईपास का डिज़ाइन चेंज की मांग है, और दूसरा एक अपग्रेडेशन ऑफ घटासनी सिलुआ बधानी बूबू ज्योत टनल, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल हमारे जोगिंदर नगर से होकर जिला कुल्लू को आने वाले समय में जोड़ेगी, और जो ये आपदा का दौर भी हमने देखा है इसमें मैंने मंत्री जी से भी हमने ये निवेदन किया था कि 4 लेनिंग का काम प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे स्तर से हो रहा है मगर हिमाचल की जो इकोलॉजी है, हिमाचल की जो टोपोग्राफी है, हिमाचल का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसको मद्देनजर रखते हुए
हमें जो कमियां हमें इस आपदा के समय में देखने को मिली है उसका ध्यान रखने की भी आवश्यकता है और नई टेक्निक्स के साथ आने वाले समय में निर्माण हो ताकि पर्यावरण का कम नुकसान हो। जो नुकसान हमें अभी देखने को मिला उसमें जो है वो कमी आए, इन चीज़ों को हमें महत्व देने की आवश्यकता है। इसलिए जो ये भूभू जो टनल है ये एक बहुत महत्वपूर्ण टनल हमारे कुल्लू मनाली और आगे ले को जोड़ने के लिए रखती है। ये मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ सीआरआईएफ में बहुत सा सहयोग हमें केंद्र सरकार से पिछले एक साल के अंदर मिला भी है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से गडकरी जी का धन्यवाद भी करता हूँ। और भी जो एक हमारे रामपुर जिला के शिमला जिला के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है टिक्कर जडोल ननकरी खमाड़ी, इसके लिए अभी हमने सीआरएफ क्योंकि वो पूरा एप्पल बेल्ट है वहाँ के लिए मांगा है, तो उसके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में इसकी सैंक्शनिंग केंद्र सरकार के माध्यम से करवाई जाए। और अंत में जो हमारे एलोकेशन ऑफ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एनएच जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कई एनएच का कार्य चला हुआ है जिसमें हमारा मंडी बजौरा कटौला कमांड सड़क है, मंडी पंडो गोवर चैल चौक सड़क है मंडी जिला की, और पंडो कुल्लू जो हमारा एक ऑल्टरनेट सड़क है इसके लिए भी सहयोग आने वाले समय में दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं तो खुले मन से ये कहता हूँ और मैंने विधानसभा के सभा पटल में भी ये कहा है कि जब जब हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से सहयोग मांगा है इन्होंने खुले दिल से हिमाचल प्रदेश का सहयोग किया है, और मैं वो व्यक्ति हूँ जो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हित में हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में जो शक्तियां हमारा समर्थन करेगी उसका हम बुरचोर समर्थन उनका हम करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कोई कमी ना रहे, हिमाचल प्रदेश को नई विकास के राह पर ले जाना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है और उसी राह पर हम पूरी मजबूती से आगे चलते रहेंगे। तो मैं एक बारी फिर से आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का दिल की गहराइयों से हिमाचल आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय मंत्री साहब आपने जब आप हिमाचल उस समय आपदा के समय में आए थे कुछ आपने वहाँ पर जो उस इलाके के इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए कुछ बात कही थी उसमें भी थोड़ा सहयोग आने वाले समय में, मैं अभी दिल्ली में भी आपसे आके मिला था वहाँ पर भी आपने उसके लिए अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि करीबन हमारा 150 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है जो जिसकी सैंक्शनिंग होनी है। मुझे विश्वास है आप देवभूमि में आए हैं हिमाचल आए हैं और आप उसे भी आज पूरा करेंगे इसका भी हमें पूरा विश्वास है। आप सबका एक बारी फिर से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक नारा मैं दूंगा आप सब ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद जय हिमाचल। धन्यवाद सर। और अब मैं दरख्वास्त करूंगी माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री भारत सरकार कि वो आगे आए और यहां पर मौजूद तमाम लोगों को संबोधित करें। भारत सरकार के माननीय मंत्री और मेरे तो मैं एक तरह से कहूंगा मुझे राजनीति में जो संगठन में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का किसी ने बनाने का अवसर दिया और आगे बढ़ने का अवसर दिया ऐसे हमारे भारत के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी। हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री विक्रमादित्य जी, हमारी पार्टी के पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे और चौथी बार ऊना के विधायक भाई सतपाल सिंह सत्ती जी, तीसरी बार के विधायक भाई रणधीर शर्मा जी, पूर्व में मंत्री रहे भाई वीरेंद्र कंवर जी, पूर्व में सभी विधायक रहे और हमारे जो प्रत्याशी रहे सभी माननीय पदाधिकारीगण, पूर्व में मंत्री रमेश धवाला जी भी हैं, आदर के योग्य मेरे सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी
नेशनल हाईवे के और डिपार्टमेंट जो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट का है, इसके सभी अधिकारीगण, पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण, आदर क्योंकि मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, पहाड़ी राज्य के लिए सड़कें जीवन रेखा होती हैं और हमारा तो जीवन बदलने का काम किसी ने अच्छी सड़कें देकर किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में श्रीमान नितिन गडकरी जी ने किया है। आपको याद होगा आज से कुछ वर्ष पहले आदरणीय गडकरी जी हमीरपुरी आए थे, हमने जो जो मांगा गडकरी जी ने एक भी किसी पर लकीर नहीं खींची, कोई मना नहीं किया। अगर विशाल हृदय के कोई धनी हैं तो उनका नाम नितिन गडकरी है। और शायद आप पूरे पार्लियामेंट को पिछले 10 साल देखेंगे, क्वेश्चन आवर हो तो मंत्री से तो ऐसे ऐसे सवाल विपक्ष के लोग पूछते हैं कि उसको कहां नीचा दिखाई जाए, लेकिन जब नितिन गडकरी जी उठते हैं तो कोई नीचा दिखाना नहीं, अभिनंदन के साथ इनका स्वागत करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं, फिर कहते हैं अगर आप ये भी कर दोगे तो अच्छा होगा। अ मैन ऑफ सो मेनी आइडियाज, न्यू आइडियाज, और मोदी जी के नया भारत के निर्माण में ऐसे नई सोच वाले नेताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और शायद जो पिछले 70 साल में कोई नहीं कर पाया था, मात्र 96,000 किलोमीटर सड़कें थी नेशनल हाईवे, और उसमें भी अटल जी के समय का एक बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 96,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़कें हो गई हैं। यह 10 साल में नितिन जी ने करके दिखाया। हमारी ग्रामीण सड़कें 3,20,000 किलोमीटर थी, 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ दी हैं। कहां कुल मिला के 3,20,000, कहां 3,75,000 नई सड़कें जोड़ देना। यही नहीं, आप जब बाकी जिम्मेदारियां भी आपके साथ थी तो एक बहुत बड़ी भूमिका, हम सब लोग तो कहते थे ना जाने कब रेणुका डैम बनेगा, कब बिजली का उत्पादन होगा, कब पानी मिलेगा, कब दिल्ली को हरियाणा को पानी मिलेगा। लेकिन आपने वो हिमाचल के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया, आपने मोदी जी से बात करके सारे का सारा पैसा, कई हजार करोड़ रुपए का व्यय भारत सरकार ने किया, तो माननीय नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी के कारण आज रेणुका डैम भी संभव हो पाया। लेकिन मित्रों आज हम किस लिए यहां पर हैं? आज हम हैं क्योंकि गडकरी जी कोई छोटी मोटी नहीं, 4,000 करोड़ रुपए की सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए हम सबके बीच में आए हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर स्वागत अभिनंदन आप सब कर दें। और भाई और बहनों एक बार ताली फिर बजानी पड़ेगी, इस 4,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ की सड़कें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए है। और अब हमारे बीच में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, और हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, ऐसे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी जो वर्चुअली जुड़े हैं,
मैं आप सबके बीच में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप कर्नाटक में हैं, लेकिन कर्नाटक से भी अपने देवभूमि के साथ जुड़े हैं। ये नड्डा जी का दिल सदा हिमाचल के पास साथ था, है और रहेगा, और इसलिए जोरदार स्वागत अभिनंदन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हमें अपने दोनों नेताओं को सुनना है, नितिन जी को, क्योंकि वापिस भी जाना है। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, आज मुझे केवल धन्यवाद आदरणीय नितिन जी आपका करना था। जो आपने हिमाचल के लिए किया है, अटल टनल से लेके मोदी जी की सरकार में अटल टनल आपने रिकॉर्ड समय के अंदर बीआरओ ने बनवा कर दी। अब आपने कई और सुरंगें हमारे लिए मंजूर कर दी। आपका सपना तो यह है कि हमारी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को जोड़ने के लिए रोप वे लगाए जाएं, और ऐसे ही आप कई परियोजनाएं लेकर आए हैं, और आप कई रोप वे हिमाचल प्रदेश में बनाना चाहते हो ताकि टूरिज्म को भी बल मिले और हमारे आने जाने में भी और राहत मिल पाए। आप हिमाचल के नहीं हैं, लेकिन हिमाचल आपके दिल में बसता है, ये साफ आपके कामों से दिखता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात यहां पे जल्दी जल्दी से कहूंगा कि जो हमारी अंब में ब्रिज पूरा हुआ 19 करोड़ रुपए का, और हमारे ढलियारा रोड पे देरा में ब्रिज पूरा हुआ 19 करोड़ का, आज दोनों का उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। हमारा स्वां खड्ड पर एक कोना से दूसरा करना, स्वां खड्ड पूरे ऊना जिला को बांट देती थी, आपने 55 करोड़ रुपया देकर पंडोगा त्यूड़ी की इस स्वां खड्ड पर पुल को मंजूरी दी है, उसका शिलान्यास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हम सबको यहां से चंडीगढ़ जाने में समय लगता था कितना, 5.5 घंटे, अब लगता है 2 घंटे 40 मिनट, क्योंकि हमारा 4-लेन हाईवे बन गया है कीरतपुर से लेके बघेड़ तक। अब आदरणीय गडकरी जी एक और काम कर रहे हैं, ये हमारे पठानकोट से मटौर, मटौर से मंडी तक का नेशनल 4-लेन हाईवे तो बना ही रहे हैं, मटौर से हमीरपुर, हमीरपुर से शिमला का भी ये भी 4-लेन हाईवे बना रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़े से किलोमीटर ऐसे हमीरपुर से बिलासपुर जहां ट्रैफिक कम पहले होता था, जब आज से 7-8 साल पहले सर्वे हुआ तब उसके कारण वो 2 लेन रह गया। मैं आप सबके सामने आदरणीय नितिन जी से निवेदन करता हूं कि आप उसको भी 2 लेन मत छोड़िए। साहब, जब आपने पूरा हिमाचल 4 लेन कर दिया है तो इसको भी 4 लेन कर दीजिए। एक मेरा निवेदन आपसे और है, आपने हमें बाईपास, जिससे आज हम घूम कर आए, आपने हमें बाईपास दिया, 55 करोड़ रुपए का बना। आज आपने हमें 1200 करोड़ रुपए की सड़क हमीरपुर से लेके धर्मपुर, धर्मपुर से मंडी 1200 करोड़ रुपए की ये सड़क है, वो आपने दिया। आपने हमारा बीड़ू से लेके लठियाणी का पुल, वरेंद्र कंवर जी मेरे साथ 10 बार दिल्ली गए होंगे, लेकिन गडकरी जी ने कहा था मैं पक्का करके दूंगा। अब हमें लगता था 100-150 करोड़ का पुल बनेगा, ये 900 करोड़ रुपए का पुल, एक पुल 900 करोड़ रुपए का, आज उसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। इससे हमें ऊना का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, हम ऊना को बाईपास करके चले जाएंगे। आप बघेड़ से जाओगे तब भी चंडीगढ़ जल्दी पहुंचोगे, आप हमारे बीड़ू लठियाणी पुल से जाओगे तो भी आप जल्दी पहुंचोगे। ये क्रांतिकारी योजनाएं कभी पहले नहीं थी मोदी सरकार में संभव हो पाई है। भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा, जो असंभव था वो भी संभव हुआ है, और अगर हमें विकसित भारत बनाना है, जो मोदी जी की सोच है, हम सबको प्रण लेकर चलना है 2047 से पहले बनाना है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रोल है, और उसमें सड़कें, नेशनल हाईवे का बहुत ही बड़ा रोल है, माल ढुलाई से लेकर यातायात आवाजाही के लिए। और नितिन जी, आपने वो बहुत बड़ी भूमिका निभाई, 2.5 से 3 गुना ज्यादा सड़कें हमने पिछले 10 साल में बनाई है, अगर आप यूपीए के 10 साल देखोगे और अपने 10 साल देखोगे। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो इसमें और तेजी की रफ्तार से बढ़ना है, और आप जैसा नेता जब ऐसे मंत्रिमंडल में हो, और आपने जब अटल जी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कल्पना की थी, आपने नेशनल हाईवे और चौड़े करने और बड़े बनाने की कल्पना अटल जी के समय रखी थी, और आपने मुंबई से पुणे का एक्सप्रेसवे बनाया था, आपने वो सारे काम समय से पहले करके दिखाए थे। आज तो समय की आवश्यकता है कि अगर हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनना है,
और अगले 25 साल में विकसित भारत बनना है तो नितिन जी आपको सड़कों की रफ्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाते रहना होगा। मैं समस्त हिमाचल प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। शब्दों की कमी है लेकिन इतना कहूंगा, आपका बहुत बड़ा योगदान हिमाचल में है, आप हिमाचल के दिल में बसते हो। मैं एक उदाहरण अंत में दे रहा हूं, आप हमारी एक सीट पर गए चंबा जिले में भरमौर में, वहां एक सड़क की आपने घोषणा की, आपने वो दे भी दी, आपने दूसरा झंडूता विधानसभा क्षेत्र में जो कहा आपने वो किया। ये दोनों विधायक आपके कारण बनकर आए जहां आप दोनों गए, आपके कई और ऐसे बने हैं लेकिन दो का उदाहरण मैं ऐसे दे रहा हूं क्योंकि आपने जो कहा था वो लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया, आप आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार मैं एक बार फिर करता हूं। बोले भारत माता की। मैं विक्रम जी को कहने वाला था, विक्रमादित्य जी को, आपने ठीक जगह आके भारत माता की जय का नारा लगाया, देखिए जोश कितने। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं अब दरख्वास्त करूंगी हमारे माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वो अपने शुभ हाथों से अनवीलिंग ऑफ प्लेक करें। इस बटन को एक रिमोट सर आपके हाथ में थमाया जाएगा और उस बटन को आप प्रेस करके उद्घाटन करें। जरा जोरदार तालियां, दिस इज द मूवमेंट जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जरा जोरदार तालियां। उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है नितिन गडकरी जी के हाथों से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक वीडियो हम देखेंगे माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, सांसद राज्यसभा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैं चाहूंगी उस वीडियो को चलाया जाए। हाँ जी, तो I request all of you, let's have a look at the LED wall. Online संदेश यहाँ पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। बारहमासी नदियों के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने खूबसूरत दृश्यों से परिपूर्ण बनाया है। हिमालय की गोद में बसे इस प्रदेश को विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी लगातार प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में उनके कर कमलों से 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है। इसमें जिन 3 परियोजनाओं को माननीय मंत्री श्री गडकरी जी राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं, उनमें 55 करोड़ रुपए की लागत से NH5 पर देवरी घाट से प्रेम घाट के बीच 2.04 किलोमीटर लंबे ठियोग बाईपास का निर्माण, 17 करोड़ रुपए की लागत से ऊना जिले में NH70 पर कलरूही खंड पर 196 मीटर लंबे पुल का निर्माण, साथ ही 18 करोड़ की लागत से कांगड़ा जिले में NH503 पर 225 मीटर लंबे ढलियारा पुल का निर्माण किया गया है। जिन 13 परियोजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है उनमें 1244 करोड़ की लागत से NH205 पर कलर गांव से नौणी चौक खंड तक 17 किलोमीटर लंबी पेव्ड शोल्डर सहित 4 लेन सड़क का निर्माण, 938 करोड़ रुपए की लागत से नए NH3 पर हमीरपुर से करनोहल, करनोहल से कलवाहन और कलवाहन से मंडी के बीच के 110 किलोमीटर लंबी सड़क का
दो लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। 871 करोड़ रुपए की लागत से NH 503 ए पर बिरहू से लठियाणी तक 8 किलोमीटर लंबे 4 लेन मिसिंग लिंक और केबल स्टे पुल का निर्माण। 272 करोड़ की लागत से कुल्लू के मोहल से प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबे रोप वे का निर्माण। 267 करोड़ की लागत से NH 22 के परवाणु सोलन खंड पर भूस्खलन रोकने के लिए 4 किलोमीटर की लंबाई में स्लोप प्रोटेक्शन के कार्य। 48 करोड़ रुपए की लागत से NH 5 पर 500 मीटर लंबी कृत्रिम सुरंग का निर्माण। 19 करोड़ रुपए की लागत से NH 503 पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 96 पर 410 मीटर लंबे 2 लेन RUB का निर्माण। 242 करोड़ रुपए की लागत से CRIF के अंतर्गत 49 किलोमीटर की लंबाई के 4 कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और धार्मिक दर्शन की नई रूपरेखा तैयार होने जा रही है। कुल्लू रोपवे के बन जाने से जहां तीर्थ स्थल बिजली महादेव के मंदिर तक 2.5 घंटे की जगह 7 मिनट में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, वहीं माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के प्रयासों से इस पहाड़ी राज्य की आर्थिक तरक्की के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। यही मोदी की गारंटी है। विकसित भारत, विकसित हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, सांसद राज्यसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हम सबको वर्चुअली एड्रेस संबोधित करेंगे। आज के इस भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम और उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सब के बहुत ही आदर के योग्य पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई और हमारे सांसद, भारत सरकार में मंत्री भय अनुराग सिंह ठाकुर जी, हमारे लोक निर्माण के प्रदेश के मंत्री श्री विक्रमादित्य जी, वहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और वहां उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे वर्चुअली आप सबके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो इसके लिए नितिन जी को और अनुराग जी को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया और इस कार्यक्रम से जोड़ा है। वैसे मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं व्यक्तिगत रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हूं और इस कार्यक्रम का भाग बनूं, लेकिन जो मेरी जिम्मेवारी है, जिस जिम्मेवारी के कारण मुझे आज यहाँ कर्नाटक में बेलगाम में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होना था, शिरकत करनी थी, इस कारण से मैं हिमाचल नहीं रह सका। पर हिमाचल के प्रति जो मेरी कर्म भूमि है, उसके प्रति मेरी कमिटमेंट और उसके प्रति मेरा प्रेम, ये मुझे रोक नहीं सका। और कल जब नितिन जी ने रात को कहा कि आप वर्चुअली ही जुड़ जाएं, तो मैंने जरूर ये समझा कि शारीरिक रूप में तो मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन कम से कम वर्चुअली अपने साथियों के साथ
जरूर बातचीत कर पाऊंगा। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आज माननीय नितिन गडकरी जी के करकमलों द्वारा बहुत सी परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है और बहुत सी परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है और बहुत नए प्रोजेक्ट्स को उन्होंने एक तरीके से हरी झंडी दिखाई है। ये हिमाचल का बदलता हुआ परिदृश्य हम सबको बहुत ही प्रफुल्लित भी करता है, खुशियां भी देता है और मन को एक संतोष भी मिलता है कि जिन बातों के लिए हम सब लोग राजनीति में आए थे वो आज हम साकार होता हुआ देख रहे हैं। जब मैं ऐसा कहता हूं कि जिन बातों के लिए हम राजनीति में आए थे और उनको हम साकार होते हुए देख रहे हैं, तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि एक समय में नेता भाषण देते थे, सब्ज बाग दिखाते थे, लुभावने नारे देते थे, हमें लुभाते थे और चुनाव के बाद भूल जाते। मुझे अपना बचपन याद है, मैं छुट्टियों में आया करता था, हर बार मुझे गांव में बताया जाता था कि जब तुम अगली बार अगली छुट्टी में आओगे तो तुम्हारे गांव में सड़क पहुंच जाएगी। मुझे याद है जब मैं छुट्टियों में घर आया करता था, गांव आया करता था, तो मुझे बताया जाता था कि अगली बार तुम आओगे तो बिजली पहुंच जाएगी। मुझे ये भी बताया जाता था कि जब तुम अगली बार आओगे तो घर तक पानी भी पहुंच जाएगा। लेकिन जब मैं अगली छुट्टियों में आता था तो मुझे आशा की जगह पर निराशा मिलती थी और सड़क वहीं की वहीं रुकी दिखती थी। ये दृश्य मैंने हिमाचल में देखा है, ये समय हमने हिमाचल में देखा है। मुझे याद है नितिन जी, मैं यहां आपके साथ इसको आत्मसात करना चाहता हूं। मैं 1993 में एमएलए बना था, 1993 में। मेरे एमएलए बनने के बाद, जैसा कि एक रिवायत है हिमाचल में कि हमारे मुख्यमंत्री जी डेवलपमेंट के कामों को लेकर वो एक बैठक बुलाते और उस बैठक में हमें अपने इलाके के प्रोजेक्ट्स रखने के लिए कहा जाता है। मैं बड़ी तैयारी करके सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के अपने इलाके के विकास के लिए मुद्दे लेकर के जाया करता। मुझे आश्वासन मिलता था कि हाँ ये काम हो जाए। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं बजट पारित होने के बाद सड़कों को बजट में ढूंढने लगता था तो एक एक कंस्टिट्यूएंसी में, आज यहाँ पर विक्रमादित्य जी भी बैठे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आज एक एक विधानसभा को करोड़ों करोड़ रुपए, तो 100% घंटे के अंदर विशेष रूप से लेकर के आते थे। वन नेशनल हाईवे, हम एक नेशनल हाईवे लेकर आते थे देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए। प्रधानमंत्री आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे विधायक सतपाल सिंह सत्ती जी, रणधीर शर्मा जी, वीरेंद्र कंवर जी, श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, मंत्रालय के और पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत ही देवभूमि के रूप में ही नहीं तो हमारे नेचर के हिसाब से, सृष्टि सौंदर्य के दृष्टि से अनूठा है। हमारे देश के अनेक लोग, अनेक प्रांत के लोग, विशेष रूप से जब गर्मी के दिन होते हैं तो हिमाचल में आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र से पूरे दुनिया का आकर्षण हिमाचल प्रदेश है, पर हमारे देश में अगर पर्यटन बढ़ाना है, हमारे देश में उद्योग व्यापार बढ़ाना है और उसी के कारण रोजगार मिलता है, अगर पर्यटन बढ़ाना है, उद्योग व्यापार बढ़ाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हिमाचल में पानी की कमी नहीं है,
हिमाचल में हाइड्रो पावर होती है, पावर की भी कमी नहीं है। हिमाचल में टेलीकम्युनिकेशन के टावर भी बन गए हैं। हिमाचल की कमी है, हिमाचल में ये पहाड़ी प्रदेश में अच्छे रास्तों की जरूरत है, टनल निर्माण करने की जरूरत है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में मैं जब इस विभाग का मंत्री बना, तब हिमाचल का विकास करने के लिए हमने सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी और राष्ट्रीय महामार्ग जो था उसकी संख्या कई गुना बढ़ा दी। आज हम लोग 4,000 करोड़ की लागत से सड़क परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि 2024 जब समाप्त होगा तब हिमाचल प्रदेश में कम से कम 1,00,000 करोड़ के काम कुछ पूरे होंगे, कुछ शुरू होंगे और कुछ काम चालू रहेगा। और 1,00,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम हिमाचल के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को निश्चित रूप से दुनिया के बराबर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज अनुराग जी ने मांग की है हमीरपुर बाईपास की 4 लेन करना, मैं आज ही उसका DPR बनाने का निर्देश दे रहा हूं और जल्दी ही इस कार्य का शुभारंभ होगा। शिमला बिलासपुर कांगड़ा पूरा कॉरिडोर 4 लेन करना, उसमें 100 किलोमीटर का 4 लेन काम चल रहा है, 54 किलोमीटर पर 2 लेन का काम चल रहा है, 29 किलोमीटर का DPR चल रहा है और मैं निश्चित रूप से इसको भी ट्रैफिक सर्वे करके तुरंत 4 लेन करने के बारे में निर्देश दूंगा। ये भी